आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेज लगाने को लेकर बहुत सारी पोस्टें आपने भी जरूर पढ़ी और सुनी होगी। यह हमारा स्वभाव ही है कि हम कोई भी काम करने से पहले अपना नफा नुकसान जरूर सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। या मैं यूं कहूं कि आखिर यह पेज लगाने से हमें क्या लाभ होगा? एक पेड़ की असल कीमत आपकी नज़र में क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी एक सांस की क्या कीमत है? शायद हमें इस बात से एक पेड़ की असल कीमत का अंदाज़ा हो जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी सांस के साथ कितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है और उस ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने पेड़ों की ज़रूरत होती है? साइंस का कहना है कि एक इंसान आमतौर पर एक साल में सांस के साथ 9.5 टन हवा अंदर ले जाता है और इस 9.5 टन हवा में ऑक्सीजन की हिस्सेदारी 23% होती है और इसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही हमारे शरीर के काम आता है। इस तरह एक इंसान को साल भर में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए और इतनी ऑक्सीजन बनाने के लिए 7 से 8 पेड़ों की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन बनाने के अलावा पेड़ हवा में धुएं के कारण मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक जहरीली गैसों को सोखने का काम भी करते हैं, जिससे हवा शुद्ध होती है और इन जहरीली गैसों के बुरे प्रभाव से हमारा पर्यावरण का बचाव ये पेड़ ही करते हैं। इतना ही नहीं, एक पेड़ एक साल में 10 से लेकर 40 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। कुल मिलाकर ये पृथ्वी सुंदर है, हरी भरी है, इस पर जीवन है, पानी है, जीव जंतु है, इस पर रहने लायक जीवन है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह हरे भरे जंगल और वन ही है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप अनेकों हरे भरे जंगलों का सफाया हो चुका है, जिससे धरती पर जहरीली गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसने अनेकों जानलेवा बीमारियों को जन्म दिया है, बरसात में कमी हो रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी से पृथ्वी के तापमान में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसके फलस्वरूप आज हम इस जानलेवा गर्मी का सामना कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ना तो पृथ्वी पर सांस लेने के लिए शुद्ध हवा होगी, ना ही पीने के लिए पानी। तो हमें टाइम रहते इन अमूल्य कीमती पेड़ों के महत्व को खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। तो अपने आसपास के पेड़ों का बचाव करें और इस बरसात के मौसम में पौधे जरूर लगाएं और एक बड़ा पेड़ बनने तक उस पौधे की देखभाल भी करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप पेड़ों के महत्व को खुद भी समझेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जरूर समझाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने आसपास के लोगों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।